नमस्कार, आप देख रहे हैं कमिंग अप न्यूज़। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो अभी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहें। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यह एक ऐतिहासिक स्थान है। गुरु नानक घाट जो कि राम घाट के बिल्कुल सामने है, यहाँ पर गुरु नानक देव जी आए थे और गुरु नानक देव जी आने के बाद यहाँ पर हमारे राजा भर्तृहरि जी जो थे उनके अनुयायियों को बुलवाकर उनके साथ सत्संग किया था और वो इमली का पेड़ आप देख रहे हैं उसके नीचे बैठकर किया था। इसलिए ये एक ऐतिहासिक स्थान है। इसलिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी को जब हमने ये सब दिखाया कराया तो उनने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया और उस स्वीकारित में ये हुआ कि उन्होंने यहाँ गुरुद्वारा बनाना तय किया गया और ये एक सिख समाज के लिए, मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ी एक सौगात प्राप्त हुई है। हमारे ऐतिहासिक गुरुद्वारा बना है, इसके लिए हम उनके आभारी हैं और सब जन जन से अनुरोध करते हैं कि यहाँ पर ऐतिहासिक गुरुद्वारा कार्यक्रम प्रकाश उत्सव प्रकाश गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश किया जाएगा। प्रथम प्रकाश किया जाएगा 31 तारीख को और प्रथम प्रकाश जब होगा उसके पूर्व नगर के सारे गुरुद्वारों का नगर कीर्तन कंठाल चौराहे से प्रारंभ होकर यहाँ आएगा सुबह 8 बजे। सुबह 6 बजे वहाँ एकत्रित होंगे और 8 बजे यहाँ पर आकर समापन करने के बाद यहाँ पर प्रकाश प्रथम प्रकाश होगा, गुरु ग्रंथ साहब का प्रथम प्रकाश होगा जिसमें सभी जन जन सभी रहेंगे। इसमें इसके बाद पूरे 2 दिन तक अमृतसर से और हिंदुस्तान के अन्य कोनों से जो कि बहुत प्रसिद्ध कीर्तनकार हैं वो आएंगे, यहाँ पर कीर्तन शब्द करेंगे। उसके उपरांत हमारे सब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गोविंद सिंह जी लोंगोवाल जी हमारे जो अध्यक्ष बोल रहे हैं या महान संत बोल रहे हैं वो रहेंगे और उनके साथ ही साथ सुखबीर सिंह जी बादल साहब और अन्य सभी संत जो हमारे पांचों अकाल तख्त के हैं वो भी उपस्थित होंगे। साथ ही हमारे नगर के भी संतों को हमने आमंत्रित किया गया, बुलाया गया, उनकी उपस्थिति में कार्यक्रम का आयोजन प्रायोजन होगा और शहर की 51 संस्थाएँ भी वहाँ पर इसमें सभी उपस्थित होकर उनका 51 संस्थाओं द्वारा भी स्वागत लोंगोवाल साहब का किया जाएगा और हमारा जो एक गुरुद्वारा रहेगा सेवाधाम वो भी विशेष रूप से यहाँ पर उपस्थित होगा। कार सेवा तक तो अभी तक तो चली रही थी, ये कार सेवा के माध्यम से ही पूरे गुरुद्वारे का निर्माण हुआ है। ये जो गुरुद्वारा आप और हम सब देख रहे हैं ये कार सेवा करने वाले हमारे जो पूरे हिंदुस्तान में बाबा कश्मीर सिंह जी हैं जो भूरी वाले संत के नाम से जाने जाते हैं, उनका पूरी टीम उनका कार्य यही है कि हिंदुस्तान में कोई भी ऐतिहासिक गुरुद्वारा का निर्माण करना हो करवाना हो तो वो SGPC अर्थात शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के माध्यम से उस कार्य को करवाने में पूरी मदद पूरा कार्य सेवा करते हैं। और वो देख रहे हैं हम जिस तरीके से एक हमारा मिस्त्री भी होता है, ठेकेदार भी होता है, उससे भी अगर हम ये कार्य करवाने की बात करेंगे तो इतनी सुंदरता इतनी अच्छी से भाव से वो नहीं कर सकता, जिस भाव से जिस प्यार से जिस प्रेम से जिस आस्था से जिस निष्ठा के साथ वो कार्य सेवा करते हैं वाकई तारीफ़ काबिल है। हिंदुस्तान में जितने भी आप ऐतिहासिक गुरुद्वारे देखेंगे उसमें अधिकांश संत भूरी वाले द्वारा अर्थात संत कश्मीरा सिंह भूरी वालों के द्वारा या उनकी टीम के द्वारा किया जाता है। उन्होंने हमारे उनसे छोटे संत हैं जो सुखदेव सिंह जी वो हमेशा पूरे समय यहाँ पर रहे हैं और उनकी पूरी टीम इस कार्य को कर रही है। गुरु नानक देव जी अपने जीवन काल में समस्त हिंदू तीर्थों पर गए हैं, चाहे वो गंगा किनारा हो। उनका हमेशा जो प्रचलित नियम है अगर वो विधि विरुद्ध है तो वो उनका हमेशा उन्होंने उसको रोकने का उपाय किया। उससे अंतर्गत ही वो उज्जैन के अंदर आए। उज्जैन धार्मिक नगरी है, विशेष तौर से हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा पवित्र स्थान है। यहाँ पर आए, इन्होंने यहाँ पर चर्चाएं यहाँ के सत्पुरुषों से की और यही इस पवित्र इमली के नीचे बैठकर उन्होंने 3 शब्द उच्चारित किए जो कि गुरु ग्रंथ साहब के अंदर अंक क्रमांक 211 और 421 पर विराजमान है। जी, 3 दिन तक वो यहाँ पर रहे हैं और यहाँ पर जो उन्होंने भजन कीर्तन तो रोज किया करते थे लेकिन श्लोक का उच्चारण जब कभी ईश्वर की इनायत हो जाती है या ईश्वर की दया दृष्टि हो जाती है तो हमें हमारे मुँह से वाणी का उच्चारण होता है। तो यहाँ पर जब गुरु नानक देव जी पर उस परमात्मा का की कृपा हो गई और उन्होंने 3 शब्द उच्चारित किए वो यहाँ पर बैठकर किए। मध्य प्रदेश का गौरव, मध्य प्रदेश से इतिहास का गौरव यहाँ पर निर्मित हुआ है। मैं आप सबके इस चैनल के माध्यम से आप सबको आमंत्रित करता हूँ कि आओ हमारे इस छोटे से समाज की बहुत बड़ी खुशी के अंदर आप लोग सम्मिलित।